हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे वूट पर रिलीज हुए एक नया शो कैंडी। हालांकि इसका रिव्यू करने के लिए ऑलमोस्ट मैं एक हफ्ता लेट हो चुका हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 10-15 ऑडियंस है मेरी, वो जरूर मेरे इस वीडियो को चेकआउट करेंगे, इतना तो मुझे भरोसा है। इस पर्टिकुलर 8 एपिसोड से, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 35 मिनट से लेके 44 मिनट के बीच में ही है। और शो की कहानी स्टार्ट होती है रुद्रकुंड से, जहां पर एक स्कूल स्टूडेंट का मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। अब ये डेथ के पीछे कौन है, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना है कि इसे मसान ने मारा है। तो क्या वाकई मसान ने मारा? अब ये मसान कौन है, यानी कि ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। खैर, अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की। तो इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स है जो एक इंडियन शो को हिट बना सकता है। लेकिन 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 अगर आप लोग मेरी तरह हॉलीवुड के बहुत सारे शोज देखते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा लगेगा यार इंस्पायर है, या लिटरली उन लोगों ने कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर कॉपी का ये वर्ड एक ही बार यूज किया, अब दोबारा यूज नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, आप लोग कह सकते हो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिवरडेल शो। ऑलमोस्ट रिवरडेल शो पूरी तरह से डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज आपको ऐसी फील होती है। और ऐसे हॉलीवुड के बहुत सारे शोज को अगर आप लोग देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं चलाते हैं कैंडी इंस्पायर है। बट इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कैंडी शो में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि सेक्स सीन्स, जो कि आजकल मैक्सिमम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस देखती है वो इस सारी चीजों को चाहती है। उसके अलावा बैड वर्ड सुनने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर ओवर द टॉप ड्रामा देखने को मिलेगा। उसके अलावा मर्डर मिस्ट्री और जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हुडनिट वाली चीजें है ना, उसको जिस तरह से उन लोगों ने आगे बढ़ाई है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो ये सारी चीजें एक परफेक्ट डिश बनाती है, और वो डिश आप लोगों के सामने परोस दी गई है। खैर, उसके अलावा अगर शो में कैरेक्टर्स की बात करो, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिनके जो डायनेमिक्स है वाह वाह वाह। स्पेशली यहाँ पर मनु ऋषि चड्डा, वो एक लोकल पॉलिटिशियन बने, और पॉलिटिशियन मतलब बाहुबली, सीधी सी बात है। लेकिन जितना वो दम बाहर रखते पुलिस वालों को एकदम उंगली पर नचाते, और उतना ही वो अपने बेटे से सहम कर बात करते, डर के बात करते। और साथ साथ उनके अंदर की वो जो एक अच्छाई है, वो उस कैरेक्टर को एक अलग ही ऑल टुगेदर बनाती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा रोनित रॉय का कैरेक्टर, जो कि यहाँ पर जयंत, शायद हाँ जयंत, वो एक टीचर का रोल प्ले कर रहे। अब इस कैरेक्टर की जो आर्क है, या जो 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 चीजें इस कैरेक्टर ने बताई है, देखो बहुत सारी जगह पे ये ओवर रिएक्ट करता है कैरेक्टर, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर से आप लोग इसलिए कनेक्ट हो जाते हो क्योंकि इसने अपनी लाइफ में कुछ खोया है, जो आप लोग इस शो में देखोगे। और उसके बाद से आपको ये समझ में आ जाता है कि अब इसके बाद इसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो ये जो जो चीजें कर रहा है ये शायद सुकून पाने के लिए कर रहा है, या कुछ इसलिए कर रहा है कि कुछ लोगों का अच्छा हो जाए। तो इसलिए उसका जो ओवर द टॉप ड्रामा है, वो जो उस कैरेक्टर में एक एक्साइटमेंट लेवल है, वो आप लोग फील कर पाते हो, लेकिन उसको आप लोग थोड़ा बहुत नजरअंदाज भी कर लेते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो ऋचा चड्ढा का कैरेक्टर है, वो एक ऐसी पुलिस वाली का रोल प्ले करी, जो पुलिस वाली हमने बॉलीवुड की ऑलमोस्ट आधे दर्जन से ज्यादा मूवीज में देख चुके हैं कि बस वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, फिर उसके बाद जो जो चीजें उसके अंदर चेंज होती है, बस वही सारी चीज है। तो कुल मिला के जो कैरेक्टर्स है यहाँ पर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शो में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, लेकिन सच में वो शॉकिंग कैरेक्टर्स थे, और उनको परफॉर्म भी बहुत ही अच्छे लोगों ने किया। कुछ नए एक्टर्स थे और कुछ पुराने एक्टर्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नाम लूँ गोपाल दत्त, इनको आप लोगों ने मोस्टली कॉमेडी शोज में देखे, लेकिन इस पर्टिकुलर शो में जो उनका ठहराव वाले जो सीन्स है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। देखो यार, जो लोकेशन पे ये शो शूट हुआ है, उनकी एक ही चीज मैं आपको खास बता दूं कि ये जो खूबसूरत वैलीज होती है, ये आप दिन में देखो ना तो इतना जन्नत का एहसास देगी, लेकिन अगर आप लोग उसको रात को देखो तो ये आपको किसी हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं नजर आती। और इस चीज का फायदा मेकर्स ने बहुत अच्छी तरह से उठाया। शो का बीजीएम बहुत अच्छा है, और अगर डायरेक्शन वाइज बात करें तो फर्स्ट से लेके 8 एपिसोड में डायरेक्टर ने ऑलमोस्ट 6 एपिसोड तक कुछ भी मेजर ट्विस्ट रिवील नहीं किया, बस उन्होंने सिचुएशन से खेला है। बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी ऐसी चीजें लाई जिससे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। वो जो मेजर ट्विस्ट है उन्होंने 8 एपिसोड के लिए संभाल के रखा है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार रोनित रॉय सर का कोई जवाब नहीं, हालांकि उन्होंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ही परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, मतलब थोड़ा बहुत उनके कैरेक्टर की डिमांड थी, तो कहीं कहीं पे वो ओवर एक्टिंग थोड़ा सा फील होता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग ऋचा चड्ढा की बात करें, तो वो वही अपना वो गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला जो उसका जो एक टोन है, चिल्ला चुल्ला जो भी है, वो जो चिल्लाने का, वो जो परफॉर्मेंस का, वो
वैसा ही लगता है, और उन्होंने अपने रोल को अच्छी तरह से निभाया। बट यहाँ पर मनु ऋषि का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगा, एंड न्यू कॉमर्स थे स्पेशली वो जो लड़की थी उसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। एंड ओवरऑल एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये शो में काफी हद तक सभी लोगों ने जस्टिस किया है। और पेरेंटल गाइडेंस के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि शो में आपको कुछ किसिंग सीन देखने को मिलेंगे, न्यूडिटी नहीं है, बैड वर्ड सुनने को मिलेगा तो आप लोग खुद डिसाइड कर लो। मैं होता तो अकेले ये घर पे देखता, फैमिली के साथ नहीं देखता। मैं इस पर्टिकुलर शो को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10, और मेरे हिसाब से IMDb पे भी जो 9.1 की रेटिंग है वो बढ़ेगी तो नहीं, हाँ कम हो सकती है, लेकिन कम बोलो तो इतनी कम नहीं होगी, शायद ज्यादा से ज्यादा 8.5 पर आखिर रुकेगी। अब देखते हैं कि जो दूसरी ऑडियंस है उनका क्या रिएक्शन है इस पर्टिकुलर शो को लेकर, और आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये शो हॉलीवुड शो से कितना ज्यादा इंस्पायर है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों ने कैंडी शो का रिव्यू मांगा था, तो उनको मैं जी से थैंक यू बोलता हूँ। उनको पता है उन लोगों ने मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियोस में कमेंट्स किए थे, तो यार थैंक यू सो मच दोस्तों, तुम लोगों के लिए मैंने इस खास वीडियो को बनाया। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।